नमस्कार, मैं दीपिका, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करेंगे समाचार की परिभाषा और समाचार के सिद्धांतों पर। हमारी इस चर्चा में हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुभाष झूलिया, डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज़, और छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ हैं मिस ज्योति। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि समाचार को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे। थैंक यू। समाचार, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि न्यूज़, जब एक शब्द हम कहते हैं तो न्यूज़ का मतलब यह है कि जो चीज़ कोई नई चीज़ है, तो हर नई घटना एक तरह समाचार है जी। तो एक तो सबसे पहले एक पत्रकार के तौर पे हमको देखना होता है कि कौन सी सूचना जो है वो नई सूचना है। और समाचार का दूसरी जो विशेषता वो ये है कि किसी चीज़ को एक नए ढंग से देखना। कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो एक लंबे अरसे से अस्तित्व में हैं। एक तो सूचना है कि कोई नई घटना भी वो समाचार बनती हैं, लेकिन जैसे मान आप एक गांव जाते हैं, गांव के लोग वहाँ एक लंबे अरसे से रह रहे हैं, उनको उसमें कुछ नया नज़र नहीं आता, लेकिन आप गांव को एक नई दृष्टि से देखते हैं, एक नए परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और एक तरह से क्रिएटिवली उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो एक रियलिटी को जो अपने आप में नई नहीं है, उसको एक नए ढंग से पेश करना भी समाचार है। और तीसरा जो समाचार की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि हमें कहते हैं कि एक चीज़ जो सामान्य है वो समाचार नहीं है, और जो असामान्य है वो समाचार है जी। कि जैसे हम कहें कि 5 मकान बन गए, जल गए तो खबर है, लेकिन 100 मकान अगर बन गए तो खबर नहीं है जी। 4 ब्यूरोक्रेट्स अगर करप्ट हैं तो खबर है, लेकिन 100 ब्यूरोक्रेट्स अगर ईमानदार हैं तो खबर नहीं है। तो मोटे तौर पर हमें कह सकते हैं कि समाचार की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तो समाचार जो है वो घटना है, वो सूचना है जो नई है। दूसरा ये कि एक पत्रकार के तौर पे आप एक किसी चीज़ को किस तरह से एक नए दृष्टि से उसको देखते हैं। और तीसरा ये है कि जो चीज़ सामान्य नहीं है, जो सामान्य है। तो मोटे तौर पर कह सकते हैं हम कि समाचार किसी भी ताज़ा घटना या समस्या या विचार की एक रिपोर्ट है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि वो एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें लोगों की दिलचस्पी है। समाचार वो नहीं है जिसमें लोगों की दिलचस्पी नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो समाचार नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री को प्रॉब्लम है तो समाचार है, क्योंकि लोग उसको जानना चाहते हैं। तो ये इस तरह समाचार को हमें कह सकते हैं कि समाचार में लोगों की दिलचस्पी होना ज़रूरी है। ऐसा जरूरी नहीं कि एक अखबार के सारे पाठकों की हर चीज़ में दिलचस्पी हो, लेकिन हमें कह सकते हैं कि एक बड़े हिस्से का उसमें दिलचस्पी होना ज़रूरी है। तो मोटे तौर पे ये समाचार की विशेषताएं हैं। ओके सर, इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि एक जो समाचार होता है उसका ढांचा क्या होता है। समाचार को आप जब समाचार लिखते हैं जी, तो एक ढांचे में उसको लिखते हैं। एक तो जैसे कहानी होती है, फिक्शन होता है, कि जिसमें जो क्लाइमेक्स है वो उसके आखिरी में होता है। माइक फिल्म में खलनायक की पराजय अंत में होती है और नायक जो है आखिरी में जीतता है। लेकिन एक समाचार में जो एक घटना का जो सबसे केंद्रीय जो है महत्व की जो बात है, वो उसके इंट्रो में आनी चाहिए। अगर कहीं दुर्घटना होती है तो सबसे पहले हम कहेंगे कि एक फरीदाबाद में एक रेल दुर्घटना में 20 लोग मारे गए, 100 लोग घायल। ये आपका इंट्रो होना चाहिए। इंट्रो का मतलब, आपका इंट्रो आम तौर पे कह सकते हैं कि 25-30 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम्पैक्ट स्टेट जो पॉइंट को कैप्चर करे कि हुआ क्या है। फरीदाबाद के पास एक रेल दुर्घटना में इतने लोग मारे, इतने घायल हुए जी। आपका इंट्रो कम्पैक्ट इंट्रो इतना होना चाहिए। तो पहले तो समाचार के ढांचे में हम इंट्रो करते हैं। इंट्रो का मतलब है कि जो एसेंस है, जो घटना है उसको कैप्चर करना कि ये घटना हुई है। और फिर उसके बाद हम जाते हैं कि इंट्रो का एलेबोरेशन हम लोग करते हैं, और उसकी थोड़ा व्याख्या करते हैं कि और क्या हुआ। तो एक तो इंट्रो है, फिर एक इंट्रो की व्याख्या है, और फिर उसी से संबंधित जो अतिरिक्त जानकारियाँ होती हैं उसको हम उसमें शामिल करते हैं। और एक जो पृष्ठभूमि की जानकारियाँ होती हैं उसको हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कहते हैं। हर खबर में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से उस खबर को आप एक संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। अगर एक दुर्घटना होती है तो आप एक बैकग्राउंड देते हैं कि कितनी दुर्घटनाएं हुई, उसके कारण क्या थे। इस तरह से तमाम चीज़ों को आप, तो
एक समाचार का ढांचा है कि आपका एक इंट्रो है, उसके बाद एलिब्रेशन ऑफ इंट्रो है, फिर आपके एडिशनल डिटेल्स हैं, और फिर कई बार कई घटनाओं में जिसको हम कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स, एक पत्रकार एक रिपोर्टर उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब करना, जैसे अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो हमें कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप एक दुर्घटना की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर आप एक गांव पे किसी कोई फीचर लिखना चाहते हैं, तो वहाँ उसको डिस्क्राइब करना जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपका एक इंट्रो है, एलिब्रेशन ऑफ इंट्रो है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैं, डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, और अंत में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। और एक समाचार को जिसको हम कहते हैं कि 5 WH का जवाब देना चाहिए, मतलब हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। ये एक बुनियादी सिद्धांत है कि जो ये सवाल है इनका जवाब एक समाचार में होना चाहिए। समाचार का इंट्रो क्या होगा इस पर निर्भर करता है कि इसमें से कौन सा आयाम सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन एक समाचार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। एक Sir, समाचार को इन सब सवालों का जवाब देना चाहिए जी। तो ये जो आपने बताया 5 WH, तो ये सिर्फ प्रिंट माध्यम के लिए ही जरूरी है या फिर हर माध्यम के जो समाचार हैं, यहाँ ऑनलाइन जर्नलिज्म या रेडियो पे जो समाचार आते हैं, उन सब में इन सब का मिश्रण होता है? ये सबके लिए एक तरह से सभी में इसका पालन किया जाता है, लेकिन पालन किया जाने में यह है कि हर मीडिया का एक नेचर है। रेडियो का ट्रीटमेंट अलग होता है, टेलीविजन का ट्रीटमेंट अलग होता है, प्रिंट का ट्रीटमेंट अलग होता है। प्रिंट में आपके पास थोड़ा सा लिबर्टीज लेने के ज़्यादा एक गुंजाइश होती है, चीज़ों को आप एक अलग ढंग से पेश कर सकते हैं। टेलीविज़न मीडियम एक 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 फास्ट और क्विक मीडियम है, जिसमें कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अगर है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अगर, तो उसकी उतनी अहमियत नहीं है जितनी कि प्रिंट में, क्योंकि टेलीविज़न में एक समाचार हो सकता है सिर्फ 30 सेकेंड का हो, और टेलीविज़न मोटे तौर पे कह सकते हैं कि आप पर सेकंड में 2 से 3 शब्दों के बीच में टेलीविज़न के समाचार होते हैं। तो 30 सेकंड के समाचार का मतलब होगा कि मुश्किल से आप उसमें 80-90 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेलीविज़न में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन अगर आप अपने यूनिवर्सिटी आते हैं और शाम को घर पहुँचते हैं और आप अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, तो आप इन सवालों का जवाब देते हैं, तभी बात पूरी होती है, नहीं तो बात पूरी नहीं होगी। है? आप कहेंगे हमारी क्लास आज बहुत अच्छी हुई, तो आप ये बताएंगे कि क्यों हुई और कैसे हुई जी। तो एक तरह से हर चीज़ में अगर हम कोई भी कहानी या कोई भी किसी भी तरह की चीज़ किसी को बताते हैं, तो इन सवालों का जवाब उसमें नहीं होता। सर, इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक जो अच्छा पत्रकार होता है उसके लिए किस तरह के कौशल की ज़रूरत होती है। पहली बात तो हमने एक समाचार को बताया कि एक समाचार क्या होता है, और दूसरी बात ये होती है कि इन तमाम जानकारियों को, इन तमाम सूचनाओं को जिनको एक पत्रकार एक रिपोर्टर जिनका संकलन करता है, उसको कैसे पेश किया जाए और उसको पेश करने के लिए किस तरह का कौशल चाहिए जी? किस तरह की स्किल्स चाहिए। तो हमें कहते हैं कि उसके बाद आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। तो एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए पहली शर्त तो यह कि आपके पास आपका भाषा पे कमान होना चाहिए जी। आप अगर हिंदी के पत्रकार हैं चाहे अंग्रेजी के पत्रकार हैं, आपकी को अच्छी भाषा आनी चाहिए, आपके अंदर ये प्रतिभा होनी चाहिए कि आप एक बोलचाल की भाषा में चीज़ों की अभिव्यक्ति कर सकें। तो पहली शर्त तो यह कि एक पत्रकार के पास एक अच्छी भाषा होनी चाहिए जिससे वो किसी घटना का की अभिव्यक्ति कर सके। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि तमाम एक पत्रकार तमाम तरह की जो सामयिक घटनाएं होती हैं उनके बारे में उसे लिखना होता है, जिसमें कई बार पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इनके सवाल भी होते हैं। तो एक विषय का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि एक विषय को आपका समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप उसमें रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। आप कम से कम उसमें वाई एंड हाउ का जवाब नहीं दे सकते कि चीज़ कैसी हुई जी। खास तौर से जैसे इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को नहीं समझते हैं, आप वहाँ के जातीय धार्मिक समीकरणों को अगर नहीं समझते हैं, तो आप वहाँ की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। तो एक तो रिपोर्टिंग होती है, इसको हम कहते हैं कि स्ट्रेट रिपोर्टिंग। स्ट्रेट का मतलब सीधे घटना जैसे भी आपने उसको रिपोर्ट कर दिया, जो खास तौर से टेलीविज़न का जो जर्नलिज्म है
उसमें एक चीज़ काफ़ी अहमियत रखती है कि आप जैसी घटना हुई आपने उसको वैसे रिपोर्ट कर दिया, लेकिन एक घटनाओं को समझने के लिए, उस घटनाओं को तह में जाने के लिए आपको उसका ज्ञान होना ज़रूरी है और आपको उसकी समझ होना ज़रूरी है। और तीसरी बात जिसकी हम बात करते हैं कौशल की, कि एक जर्नलिस्ट के पास एक ऐसा कौशल होता है कि वो बहुत ही जटिल सूचनाओं को इकट्ठा करता है और उसके पास कोई स्किल्स हैं, प्रोफेशनल स्किल्स हैं कि वो उन सूचनाओं को एक समाचार में तब्दील करता है जी। मतलब उसको एक न्यूज़ फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है उसको। और न्यूज़ फॉर्मेट का मतलब हुआ कि समाचार को एक आम आदमी आसानी से समझ सके, पढ़ सके। आप अगर अखबार पढ़ते हैं तो आप डिक्शनरी लेकर के अखबार नहीं पढ़ते, तो एक पत्रकार वो है कि जो बजट है या इकोनॉमी है या फाइनेंस है, इतने जटिल मसलों को एक ऐसे रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है, उसकी कौशल रखता है, स्किल्स रखता है कि उसको आम आदमी आराम से उसको पढ़ सके। तो मोटे तौर पर हमें कहते हैं कि आप इसके लिए एक तो आपकी जो भाषा होती है उसमें आप बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करिए, और दूसरा ये कि आपके जो सेंटेंस हैं वो छोटे होने चाहिए और पैराग्राफ भी आपके संक्षिप्त होने चाहिए। तो तीन उसके लिए चीज़ें हैं कि उससे जो रीडेबिलिटी होती है, एक मतलब एक भाषा का जो एक प्रभाव होता है, इस प्रभाव में लोग उसको पढ़ते हैं, वो उससे बना रहता है जी। सर, एक जर्नलिस्ट को एक मीडिया लिटरेट होना भी ज़रूरी है या नहीं? एक जर्नलिस्ट को एक मीडिया के स्वभाव को समझना ज़रूरी है, क्योंकि सर सिर्फ भाषा से वो एक अच्छा पत्रकार बन सकता है तो इसमें तो कोई तथ्य नहीं, क्योंकि सर बहुत सारे लोग हैं जो भाषाओं पे डिग्रीज करते हैं और अगर हर भाषा वाले मीडिया के फील्ड में आ जाएं तो शायद कुछ गलतियां कर बैठें। भाषा से आशय ये है कि आप एक चीज़ को जब व्यक्त करते हैं तो उसके लिए पहली शर्त है कि भाषा होनी चाहिए। भाषा के माध्यम से आप उसको करते हैं, प्रिंट में आप लिख के करते हैं, टेलीविज़न और रेडियो में आप बोल के करते हैं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन जो बाकी दो चीज़ें जो मैंने कहा कि एक तो नॉलेज होना, और पत्रकार का मतलब है कि एक ऐसा कौशल होना कि आप समाचार को लिखने की आप में क्षमता है, और समाचार का मतलब है कि किसी भी घटना को इस तरह पेश करना कि एक आम आदमी उसको समझ सके। तो जो तीसरी चीज़ है वो एक तो भाषा का जानकार होना का मतलब आशय ये नहीं है कि एक पत्रकार को कोई किसी लिटरेचर की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, क्योंकि भाषा का मतलब क्या होता है, अगर आपने राजनीति शास्त्र में शिक्षा ली है, अर्थशास्त्र में शिक्षा ली है, तो भाषा तो सब जगह होती है, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें कि भाषा इन्वॉल्व नहीं है। तो एक भाषा विद होना या साहित्य का ज्ञान होना एक अलग चीज़ है, और एक भाषा जो अभिव्यक्ति की भाषा है उसका ज्ञान होना एक अलग चीज़ है। तो दोनों चीज़ों का अंतर समझना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई साहित्यकार होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जो कि एकदम जो है वो साहित्य की कसौटी पे खरी उतरती हो, बल्कि पत्रकार के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करें जी। सर, इसका मतलब है कि कोई भी पत्रकार बन सकता है अगर उसके पास कौशल है, समझ है समाचार कैसे लिखा जाता है या फिर कैसे उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैसे किसी घटना को हम दर्शकों के सामने या फिर अपने श्रोताओं के सामने पेश करने की उसमें क्षमता है। इस तो सवाल का जवाब मुझे लगता है कि आप लोग के पास होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने एक सफ़र तय किया है जी। आपने पहले अपनी शिक्षा ली, एक पत्रकार बनने का सपना देखा, अब आप एक पत्रकारिता का शिक्षण और प्रशिक्षण ले रहे हैं जी। तो आप ये जानते हैं कि पत्रकार बनने के का सफ़र कैसा होता है, हमने वो सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं। आप लोग अभी उस सफ़र को ले रहे हैं तो आप उसको बेहतर समझते हैं कि पत्रकार बनने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन 2 साल बाद जब पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा तब आप लोग उसको बेहतर समझेंगे। लेकिन यह है कि एक सफ़र है जिसमें कि तमाम आप चीज़ों को जानते रहते हैं। एक पत्रकार वो है कि जो मैं एक हाईली इन्फॉर्म पर्सन है जी। मतलब एक टीवी जर्नलिस्ट को भी तमाम अखबार मैगजीन सब पढ़नी होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि ख़ासतौर से टेलीविज़न इंडस्ट्री में उस तरह से मतलब स्पेशलाइजेशन नहीं है जो प्रिंट मीडिया में संभव है जी। क्योंकि टेलीविज़न चैनल जो है वो 24/7 चैनल में लगातार खबरें आ रही हैं, तो यह संभव नहीं है कि विदेशी मामलों का विशेषज्ञ हर वक्त डेस्क पे बैठा हो। तो जो डेस्क पे बैठा प्रोड्यूसर है या जो एंकर पर्सन है या जो दूसरी टीम है, अचानक अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय घटना हो जाए तो उसको भी उनको रिपोर्ट करना होता है। तो ये कह सकते हैं कि एक पत्रकार एक जानकार है जिसको कि तमाम जो घटनाएँ घट रही हैं उसके बारे में उसको खूब पढ़ना चाहिए
और उसके पास जो है वो उसे एक वेल इन्फॉर्म पर्सन होना चाहिए जो कि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं। प्रिंट मीडिया में कई बार एक हद तक स्पेशलाइजेशन होता है कि अगर आप कॉरस्पॉन्डेंट हैं तो मुमकिन है कि आपकी एक ही बीट हो, कि आप इस वक्त सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री कवर कर रहे हैं या होम मिनिस्ट्री कवर कर रहे हैं या विदेश मंत्रालय कवर कर रहे हैं, टेलीविज़न में संभव नहीं है। दूसरा, अगर आप संपादकीय लिखते हैं कि एक अखबार में, तो मोटे तौर पे कह सकते हैं कि आपके पास एक पोर्टफोलियो है कि आप आर्थिक मामलों पे लिखते हैं कि विदेशी मामलों पे लिखते हैं कि राजनीतिक मामलों में लिखते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जिसमें आप विशेषज्ञ नहीं हैं। आप एक समय पे एक चीज़ के बारे में लिखते हैं, आप उसके बारे में जानकार होते हैं, आपको सारी जितने भी मसले हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। एक पत्रकार एक वेल इन्फॉर्म पर्सन है, और जब आप वेल इन्फॉर्म्ड होंगे तभी आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी, इसके अलावा सर हम आपसे जानना चाहेंगे जो समाचार, एक समाचार रिपोर्ट लिखते हैं हम, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी करनी होती है हमें? एक समाचार के लिए, मतलब ये जो मैं अभी बात कहने जा रहा हूँ, ये कोई किसी मीडियम स्पेसिफिक नहीं है कि प्रिंट के लिए या टेलीविज़न के लिए या रेडियो के लिए, लेकिन एक जिसको हम कहते हैं कि एक प्रोसेस है कि जैसे मैंने कहा कि हम एक पत्रकार एक हाईली इन्फॉर्म पर्सन है जी। एक पत्रकार एक नॉलेजेबल पर्सन, ये चीज़ें आप कैसे हासिल करते हैं, मतलब कैसे आप वेल इन्फॉर्म बनते हैं और कैसे आप जो है नॉलेज अक्वायर करते हैं। तो एक विषय पे अगर हम कहें कि एक पत्रकार को किस तरह की तैयारियां करनी होती है, तो पहली बात तो यह है कि आप वेल इन्फॉर्म कैसे बनते हैं। मैं वेल इन्फॉर्म का पहली शर्त यह कि आप उन सब चीज़ों को जानते हैं जो पहले ही छप चुके हैं, प्रसारित हो चुके हैं। मतलब यू वन ए जर्नलिस्ट ऑट टू नो एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन। उसके लिए आप अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, आजकल इंटरनेट आ गया है तो तमाम खबरें इंटरनेट पे होती हैं। तो मतलब जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं सबसे पहले आप अपने को उनको जानकार बनाते हैं। अगर हमने कहा कि नई सूचना समाचार होती है, अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमको मिली है नई सूचना है? या आपको तभी पता कर सकते हैं जब आपको मालूम हो कि पुरानी सूचनाएं कौन सी हैं। मतलब मसलन अगर आज खाद्य मंत्री ये घोषणा करते हैं कि इस साल हमारे देश में इतने मिलियन टन का अन्न उत्पादन होगा, और आपने उसको खबर बना दिया, ये मुमकिन है कि खबर 10 दिन पहले छप चुकी हो। तो आप जब वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं तभी आप ये जान सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमको मिली है नई इन्फॉर्मेशन है। सर, इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि किसी घटना के समाचार महत्व का आलंकन किस आधार पर किया जा सकता है? एक समाचार की घटना, जैसे ये कहते हैं ना कि नियरेस्ट डियरेस्ट, जी, कि जो सबसे करीब है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो एक तो इसको हम कहते हैं कि निकटता क्या है, प्रॉक्सिमिटी का एक फैक्टर है कि जो जहाँ से कोई समाचार संगठन काम करता है वहाँ की जो स्थानीय खबरें होती हैं वो उसके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे दिल्ली में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका जो स्थानीय घटनाएं होती हैं, लेकिन दिल्ली के अखबार के लिए मुमकिन है कि फ्रंट पेज की खबरें हों, लेकिन चेन्नई की अगर कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो दिल्ली के अखबार के लिए हो सकता है कि खबर हो ही नहीं, उसमें छपे ही नहीं। अब दिल्ली के जो मेट्रो पेजेस हैं उसमें सारी खबरें स्थानीय होती हैं। और आज हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में समाचारों का एक जो स्थानीयकरण की का जो रुझान है प्रबल हुआ है। मतलब रोज लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके 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 इलाके में क्या हो रहा है, उनके यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि उनके करीब जो घटनाएं हो रही हैं उससे उनकी ज़िंदगी पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है जी। इसलिए उनकी ज़्यादा दिलचस्पी होती है कि उनके यहाँ क्या हो रहा है, उनके करीब क्या हो रहा है, बजाय इसके कि दुनिया के दूर दराज के इलाकों में क्या हो रहा है, क्योंकि उस घटना से उनकी ज़िंदगी पे एक तरह से प्रत्यक्ष तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो पहला तो जो फैक्टर है उस पर यह है कि कितने निकट कोई घटना हुई है, जिसको कहते हैं कि निकटता, प्रॉक्सिमिटी, कि जितने करीब घटना होगी उतनी घटना उतनी महत्वपूर्ण होगी। दूसरा यह कि उस घटना का आकार कितना है, मतलब मसलन उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब दुर्घटना हुई है तो उसमें जो भी लोग मारे गए घायल हैं उनकी संख्या कितनी है, अगर कोई प्रदर्शन हुआ है तो उसमें भाग लेने वाले लोग कितने हैं। तो इस तरह से कि अगर बिजली का संकट है तो कितने घंटे बिजली बंद रही, तो एक आकार जो एक घटना का है कि वो घटनी कितनी कितनी बड़ी रही, एक उससे उस तय होता है कि वो कितनी उसका समाचार या महत्व कितना जानता है। और तीसरा है कि जहाँ कोई इम्पॉर्टेंट लोग किसी घटना में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर किसी घटना में प्रधानमंत्री से संबंधित है तो बड़ी खबर है,
और किसी अगर एक आम आदमी से संबंधित है तो बड़ी खबर नहीं है, खबर है ही नहीं। तो एक फैक्टर होता है कि उसमें कौन लोग इम्पॉर्टेंट हैं। और एक जो सबसे बड़ा चीज़ है कि एक घटना जो अनयूजुअल है, क्योंकि आमतौर पे वो घटनाएं समाचार बनती हैं जो सामान्य नहीं है, जो अनयूजुअल है। और एक होता है कि कई ऐसी खबरें होती हैं जिनका एक ख़ास तबके के लिए उसकी एक इन्फॉर्मेशन वैल्यू है। जैसे माना किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में कुछ फेलोशिप्स जो अनाउंस किए, तो वो इसलिए खबर है कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं या जर्नलिज्म के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए वो खबर है। हो सकता है कि आम लोगों के लिए वो खबर ना हो। तो ये कह सकते हैं कि हर खबर सब सारे पाठकों के लिए नहीं है। वो कुछ खबरें हैं जो पाठकों के एक तबके के लिए, कुछ खबरें ऐसी हैं कि जो सब पाठकों के लिए, मैं फ्रंट पेज की आपकी जो मेन स्टोरीज होती हैं, हम ही कह सकते हैं कि सारे पाठकों के लिए वो खबरें। लेकिन आपकी जैसे लोकल खबरें होती हैं तो कह सकते हैं कि दिल्ली के लोगों की उसमें ज़्यादा दिलचस्पी है। इसी तरह आपके नेशनल खबरें, इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, तो डिपेंड करता है कि किस खबर को आप किसके लिए लिख रहे हैं। जी सर, पर कई बार ये होता है कि जो जर्नलिस्ट आंखों देखे कुछ मतलब कुछ एक्सपर्ट से सुन रहा है और उस जगह पे जाता है, तो वहाँ के और वहाँ के डाटाज में काफ़ी अंतर होता है, तो उस वक्त जर्नलिस्ट को क्या करना चाहिए, वो कौन से सोर्स पे ध्यान दे? मतलब ये है कि एक बार जो है लखनऊ में जब मैं पत्रकार था तो हमने सरकार जितनी की प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी करती हैं, हमने पूरे एक महीने की सारी प्रेस विज्ञप्तियाँ इकट्ठी की और हमने सारे आंकड़े जो हैं उनको कंपाइल किया। और फिर हम बुंदेलखंड में हमीरपुर के इलाके में गए और फिर हमने वहाँ जा कर आंकड़े इकट्ठा किए, तो उन आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर था। मस्टन फूड कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड में ये लिखा हुआ है कि उस गांव में जो सस्ते गल्ले की दुकान है या फिर प्राइस शॉप है उसमें चीनी की भी सप्लाई हो रही है, गेहूं की सप्लाई हो रही है, चावल की सप्लाई हो रही है। लेकिन जब वहाँ गए तो मालूम पड़ा कि उस दुकान में पिछले एक साल से कभी कोई चीज़ लोगों को मिली नहीं, उसमें ताला लगा रहता है। तो अब यह है कि आंकड़ा सरकार का आंकड़ा झूठा है, क्योंकि सरकार को उनकी जो मशीनरी है जो कई बार प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट नहीं करती है या किसी प्रोजेक्ट में करप्शन है। जाहिर है कि अगर FCI के रिकॉर्ड में माना जा रहा है कि सैकड़ों सस्ते गल्ले की दुकानों को अनाज की सप्लाई हो रही है, सस्ते अनाज की सप्लाई हो रही है और अनाज वहाँ नहीं जा रहा, तो इसका मतलब उस अनाज को ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर आपने एक एक ऑथेंटिक आंकड़ा इकट्ठा किया जब आप वहाँ खुद गए। तो जर्नलिज्म क्या है, आप हमेशा सच की तलाश कर रहे हैं जी। आप उन तथ्यों की तलाश कर रहे हैं जो कि सच है, और कई बार आपके पास ऐसे स्रोत नहीं होते हैं कि आपको वो चीज़ें मिल सकें। इसीलिए कई बार एक खबर आती है फिर झूठी साबित होती है। तो एक आपकी एक प्रक्रिया है कि आप हर तथ्य को वेरीफाई करते हैं, दोबारा वेरीफाई करते हैं, तीसरी बार वेरीफाई करते हैं। मैं जब तक आप एक पत्रकार के तौर पर कन्विंस्ड नहीं है कि अब हम जिस खबर पर पहुँचे हैं ये एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, तो ये जो वेरीफिकेशन का प्रोसेस है वो आपको लेना पड़ता है। जहाँ भी आपको शक होता है कि ये इन्फॉर्मेशन, मैं आपको डाउट लगता है कि इन्फॉर्मेशन शायद सही नहीं है, आप दूसरे स्रोत पे जाके उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जर्नलिस्ट भी एक सोर्स पे कर नहीं रह सकता, मतलब वो पूरा सोर्स पे अपना धार बेस नहीं कर सकता, मतलब एक सोर्स पे एक सोर्स पे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको वेरीफाई करें, मैं रीवेरीफाई करें। तब तक वेरीफाई करें जब तक आप खुद कन्विंस नहीं है कि हाँ अब हमको एक सही सूचना मिल गई है। तो वेरीफिकेशन कई बार एक वेरीफिकेशन की शायद ज़रूरत ना हो, मतलब कई सिचुएशंस में आपको मालूम है कि ये अंतिम चीज़ है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ भी कोई कंट्रोवर्सी होगी, जहाँ भी कोई विवाद होगा, तो तब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हर इंटरेस्टेड पार्टी एक खास तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती है। जैसे कि आप इसको अन्ना हजारी के मूवमेंट को ले लीजिए, उसमें इतने पक्ष हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि इस पक्ष ने जो कहा यही सच है, तो आप कई पक्ष से सूचनाएँ लेनी पड़ती हैं। अगर कोई बात कही गई है तो आपको बार बार जो है वो दूसरे स्रोत से उसको वेरीफाई करना पड़ता है कि एक संपादक को एक रिपोर्टर अपने स्रोत बताता है कि नहीं बताता है जी। एक संपादक और रिपोर्टर के बीच पे एक विश्वास का रिश्ता होता है, तो उसमें कई बार यह कि पूरी टीम जो है वो सोर्सेस को कल्टीवेट करती है, तो ये उनके आपसी रिश्तों पर डिपेंड करता है कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। अगर एक पत्रकार को ये लगता है कि संपादक उसके सोर्स को सेक्रीफाइस कर सकता है तो वो नहीं बताएगा जी। लेकिन अगर उनके बीच में एक विश्वास का रिश्ता है, हमारा संपादक ये जानना चाहता है कि खबर कितनी ऑथेंटिक है, तो
तो एक पत्रकार बता सकता है कि इस हाईली प्रेस सोर्स से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर माना कोई घटना बहुत बड़ी है, उसके बहुत बड़े परिणाम होने जा रहे हैं, तो उसको बताना पड़ेगा कि ये खबर हमको इस सोर्स से मिली है, ताकि कैरेक्टर कन्विंस्ड हो सके कि हाँ इस खबर को हमको फ्रंट पेज पे बैनर हेडलाइंस के तौर पे देना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रोफेसर धूलिया जी का और मिस ज्योति जी का।